नमस्कार जी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बाग भाइयों, आज का टॉपिक है कैसे कीवी के प्लांट तैयार होते हैं और किस तरह से हम जो है स्वयं घर पर ही कीवी के पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने कीवी के प्लांट से यहाँ कुछ कटिंग ला कर रखी है और एक कंटेनर में बिल्कुल साफ़ पानी रखा है और शीशे के जार में आप जो पाउडर देख पा रहे हैं यह दालचीनी का पाउडर है और डब्बे में आप यहाँ हनी देख सकते हैं। बाग भाइयों, जब हमें कीवी की नर्सरी तैयार करनी होती है तो आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, हमें इस तरह से कीवी के प्लांट से कुछ कटिंग लेनी होती है जिससे कि हम जो है नर्सरी डेवलप कर सकें। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी यहाँ जो है कीवी की बेल से जो है कटिंग ली है। तो यहाँ पर किसान बाग भाइयों, सबसे पहले हमें वाटर में जो है शहद को मिलाना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शहद को एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण के लिए जाना जाता है और काफ़ी समय से रूटिंग हार्मोन्स बनाने के लिए शहद को प्रयोग में लिया जाता है। 2 से 3 चम्मच हमें इतने पानी में शहद को जो है मिक्स करना होता है और उसके बाद वाटर में हमें दालचीनी का पाउडर भी मिक्स करना होता है, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे होंगे। दालचीनी का पाउडर जो है पानी में डालने के बाद जो है इसे अच्छे से मिक्स करें, थोड़ी देर इसे जो है अच्छे से हिलाएं और इसके बाद वाटर में दालचीनी का पाउडर अच्छे से मिलने के बाद जो है शहद का पानी भी इसमें मिला दें। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, दालचीनी का पाउडर जो है पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें यहाँ जो पानी में हमने शहद मिक्स किया था उसे थोड़ा अच्छे से हिलाएं क्योंकि शहद जो है पानी में नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसे जो है स्पून से अच्छे से हिलाएं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शहद जो है वाटर में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें इस पानी को दालचीनी के पानी के साथ यहाँ मिक्स करना होता है। पर वीडियो में आप सभी देख सकते हैं, शहद और दालचीनी का पाउडर जो है पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है, हल्का सा हमें पानी का रंग भी अलग नज़र आ रहा है। अब हमारा यह मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। जो कीवी के प्लांट से हमने कटिंग ली थी, अब हमें जो है वो कटिंग इस पानी में जो है डिप करनी होती है। किसान बाग भाइयों, यहाँ पर मैं आप सभी को एक ज़रूरी बात यहाँ बताना चाहूँगा, जब भी हम कीवी प्लांट की कटिंग को डिप करते हैं या फिर मिट्टी में प्लांट करते हैं तो ये आँख हमेशा नीचे को रहती है और इसके ऊपर से जो है नई ग्रोथ लीव्स या फिर नया शूट यहाँ से ग्रो होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, ये आँख जो है हमेशा को नीचे की ओर ही रखनी होती है। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मैंने सारी कटिंग को जो है रूटिंग हार्मोन में डुबो दिया है और जब हम इसे मिट्टी में प्लांट करते हैं तो हमें जो है कटिंग को हल्के से मिट्टी में अंदर की ओर प्रेस करना होता है और मिट्टी को अच्छे से फिर हाथ से सेट करना होता है, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ किस तरह से मिट्टी में जो है इसे मैंने प्लांट किया है और कटिंग को मिट्टी में दबाने के बाद जो है सिंचाई करना आवश्यक होता तो है। बाग भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आने वाली सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे।